नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज भारत के सराफा बाजार में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है। इसी के साथ में आज की काम की कुछ बड़ी खबरें हैं, फटाफट से सारी खबरों को जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो हाईवे पर हुआ एक्सीडेंट तो तत्काल मिलेगा इलाज, सरकार उठा रही है ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आए दिन सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटना के चलते अपनी जान को गंवा देते हैं। खास करके देश के हाईवे पर एक्सीडेंट के मामले ज्यादा बढ़ रहे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक विशेष रोड सेफ्टी सिस्टम पर काम कर रहा है, जो कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं से घायल लोगों के लिए तत्काल उपचार पहुंचाने का काम करेगा। यह एक तरह की सुरक्षा प्रणाली पर काम करेगा, जो कि हाईवे पर होने वाले किसी भी तरह के एक्सीडेंट के दौरान तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस सर्विस को सूचना देगा। साथ ही में यह सुनिश्चित करेगा कि मौके पर पहुंचने वाले एम्बुलेंस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी कि GPS से लैस होगा, ताकि घायल को जल्द से जल्द इस तकनीक से अस्पताल पहुंचाया जा सके। अच्छा, तो आज की अगली खबर है, 11 महीने के बाद में फिर से बजेगी स्कूल की घंटी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1 से 5 तक के लिए 10 फरवरी और 6 से 8 तक के लिए 1 मार्च से फिर से शुरू होंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार ने क्लास 1 से 8 तक के लिए स्कूल दोबारा खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि हर क्लास में 50% स्टूडेंट ही मौजूद रहेंगे और सभी बच्चों को मिड डे मील भी दिया जाएगा। चलिए तो मौसम को लेकर बड़ी खबर है, हल्की ठंड के बीच में कई राज्यों में बारिश के आसार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR में सुबह शाम की ठंड के बीच में तेज धूप और हवा चल रही है। राजधानी क्षेत्र के लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है, और इसी बीच देश के कई अन्य राज्यों में बारिश हो रही है। 7 और 8 फरवरी को उत्तराखंड में शुष्क मौसम के रहने की संभावना है। इसी के साथ में दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ स्थानों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अच्छा, तो अगली खबर है, PNB ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब इस नंबर पर कॉल करके अपने घर मंगवाए कैश, मिलेगा बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक PNB अब आपके घर पर आपको कई तरह की सुविधाएं देने के लिए आएगा। जी हाँ, PNB में बैंकिंग कामकाज के लिए ना तो लाइन में लगने की जरूरत है और ना ही टोकन लेने की टेंशन। बैंक अपने ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा भी दे रहा है। PNB की डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा के तहत आप कई सुविधाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको मात्र एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और आपको घर बैठे कैश निकासी जैसी सेवाएं मिल जाएगी। अधिक जानकारी आपको 1800103718 पर मिल जाएगी, या फिर आप पंजाब नेशनल बैंक की DSB मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो वही बात करते हैं, भारत के सराफा बाजार में 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। 1 ग्राम के अनुसार 4,616 रुपए प्रति 8 ग्राम का, 36,928 रुपए प्रति 10 ग्राम का, 46,160 रुपए और प्रति 100 ग्राम का 4,61,600 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। इसी के साथ में बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम का 4,716 रुपए प्रति 8 ग्राम का, 37,728 रुपए प्रति 10 ग्राम का, 47,160 रुपए और प्रति 100 ग्राम का 4,71,600 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही दोस्तों बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही दोस्तों चांदी के दाम की बात करें, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 68,700 रुपए पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है दोस्तों, कि सेब की खोज सबसे पहले कौन से देश में हुई थी। जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहां पर प्रकाशित किए जाएंगे। धन्यवाद।